जय हिंद। पॉइंट टू पॉइंट की इस सीरीज में आज हम देखेंगे कि कैसे भारत एक के बाद एक नई नई घोषणाएं करता जा रहा है। भारत अपनी पहली अंडर वाटर मेट्रो की घोषणा के बाद पहली जल मेट्रो। अब ये अंडर वाटर मेट्रो और जल मेट्रो में डिफरेंस क्या है कि अंडर वाटर मेट्रो जो मेट्रो होगी वो अर्थ पे चलेगी लेकिन उसका रास्ता पानी के अंदर बनाया जाएगा, बट ये मेट्रो जो है ये पानी के ऊपर चलेगी इन द फॉर्म ऑफ शिप, यानी शिप के फॉर्म में ये चलेगी। लगभग 75 किलोमीटर का लगभग कुछ ऐसा है, तो पूरा डिटेल से आपको बताता हूँ, तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। तो इसमें क्या है कि अकॉर्डिंग टू द चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन, वहां के सीएम ने इसको ऐलान किया है कि अकॉर्डिंग टू द चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन द स्टेट वाटर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री विल अंडरगो अ मेजर रिवॉल्यूशन थैंक्स टू जल मेट्रो एंड टूरिज्म इंडस्ट्री विल आल्सो। ये पूरी चीजें लिखी हुई है, इसका कोई मतलब नहीं, मैं आपको समझा देता हूं कि ये जो शिप बनाई गई है ये कोचीन डॉकयार्ड शिपयार्ड के द्वारा बनाई गई है। यहाँ पे छोटे 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 आइलैंड है, उस पर घूमने के लिए क्या होता है कि आप बड़ी शिप पे बुक करते हैं, फिर आप वेट करते हैं 6 घंटा 7 घंटा, घूमने का मन खत्म हो जाता है। टूरिस्ट एक बेहतरीन टूरिस्ट का अट्रैक्शन हो सकता था जिसे आज तक वहां की राज्य सरकार मिस की हुई है। पूरे बड़े बड़े देश जो कि तेल पे चलते थे, तेल खत्म खेल खत्म ऐसी कंडीशन में थे, उन्होंने भी क्या किया, टूरिज्म को बढ़ावा दिया और आज वो देश दुनिया के टॉप पे पहुंच गए हैं। तो वही केरल भी है, वही काम कर रहा है कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वहां पे जल मेट्रो चला रहा है जल निगम के द्वारा, और क्या कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया। लगभग 75 किलोमीटर लंबा रास्ता तय किया गया है जिसपे ये शिप चलेगी और एकदम नॉमिनल फीस के द्वारा ये चलाया जाएगा, एकदम कम से कम खर्च में, ताकि लोग जा जाके आइलैंड पे घूमेंगे। अब आइलैंड को क्या किया जाएगा कि आइलैंड को अब लोग वहां पहुंच गए तो अब पहुंच गए तो पानी की बॉटल लेंगे, चाय समोसा कोल्ड ड्रिंक जो खाने का उनके खाओ। पैसा किसको आएगा, सब पैसा केरल को आएगा, जितने टूरिस्ट आएंगे उतना अच्छा है। क्या जीडीपी कैसे बढ़ती है, बताया था ना जीडीपी कैसे होती है कि जो बाहर का पैसा अपने इंडिया में है तो जीडीपी बढ़ी, नहीं तो आप अगर इस जेब का पैसा निकाल के इस जेब में डाल देंगे तो जीडीपी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये है इंडिया के लिए खुशखबरी है। तो मिलते हैं पॉइंट टू पॉइंट किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू, कीप स्टडी, कीप मोटिवेटिंग।